Clash of Clans. Hey, what's up everyone? के साथ आप सभी का स्वागत है एक और fresh brand new video में. Hi fans, this is me, आपका अपना नुमान खान the legend. तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिल्डर को बिजी. तो यहाँ पर मेरे दो बिल्डर ऑलमोस्ट बिजी है, तो देखते क्या क्या चीज़ पर. एक आर्चर को इनको जो कि लेवल 12 का कर रहा है, और दूसरा बैरक जो लेवल 11 का हो रहा है. तो यहाँ पे अब हम लोग के पास और दो बिल्डर फ्री है, देखते उन लोग उसको क्या काम पे लगाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड है 44 लाख, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते कैनन अपडेट करने और आर्चर टावर अपडेट करने, जो कि आर्चर टावर अपडेट होगी तो जाएगी लेवल 11 पे और अपना कैनन भी जाएगा लेवल 11 पे. अभी अभी ये दोनों बिल्डर फ्री हुए ये दोनों कैनन के ऊपर से. तो यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट जो 4 कैनन है वो हो चुके हैं लेवल 11 के. जब पांचवा जो कैनन है वो भी होना बाकी है लेवल 11 का होने के लिए. जब हम लोग डिफेंस पे देख लेते हैं, कैनन हमारे पास 5 है, तो 5 में से हमारे यहाँ पे 4 हो चुके हैं ऑलमोस्ट लेवल 11 के. तो अभी एक आखिरी जो है उसको अभी हम लोग आज डालने वाले अपडेट पर. तो बिल्डर बेस में हमें कुछ करना नहीं, ऑलमोस्ट सब कुछ बिल्डर बिजी है ऑलरेडी. आप हम लोग विच को डाल सकते हैं लेवल 10 के लिए, लेकिन मुझे अब बारबेन किंग अपडेट करना है क्योंकि इसके आर्मी कैंप पे जो इसका क्या बोलते हैं उसको ट्रूप ज़्यादा रहेंगे, 5 ट्रूप्स एक आर्मी कैंप के ऊपर बढ़ेगा. तो यहाँ पर हम लोग बिल्डर को बिजी करने वाले, तो सबसे पहले ये जो आर्चर टावर है इसको डाल देते हैं लेवल 11 के लिए. सो 1 2 3 गो. तो ये जा चुका है लेवल 11 के लिए. यहाँ पे हमारे पास अभी भी 24 लाख है, तो यहाँ पे हमारे पास सीसी में कुछ 4 लाख तक है. तो यहाँ पर हम लोग अभी दूसरा जो है कैनन इसको डालने वाले अभी अपडेट पर. सो 1 2 3 गो. ओके, तो यहाँ पे हमारा तो जो दोनों बिल्डर है वो हो चुके हैं बिजी. तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक यहाँ पर बिजी हो चुका है, ये एक आर्चर टावर पे बिजी हो चुका है, ये हमारे कैनन पे बिजी हो चुका है, और ये बैरक्स में मतलब यहाँ पर आर्मी ट्रेन हो चुकी है. स्पेल्स कॉम्बिनेशन में भी हम लोग दो रेज दो हिल और क्या एक पॉइजन लिया ना, हाँ, क्योंकि सामने वाले की जगह सीसी निकल गया, तो सीसी को लूर करना है. यहाँ पर देख सकते हो मैंने सीसी में यहाँ पे सुपर बारबेरियन लिया है, जो कि वो 4 लिए लेवल 9 के मैक्स, और यहाँ पे 2 जाइंट लिए. तो हम लोग उसको ये गोलम के पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो क्योंकि वो मैक्स जो जाइंट है वो गोलम को सपोर्ट करते हुए बेस क्लीन अप करते रहेंगे. तो यहाँ पर आपको ये क्लैन दिखते होगी डेड डीलर्स, ये क्लैन आपको ज्वाइन करनी है. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 7 ही बंदे. ये क्लैन हम लोग ने आपके लिए बनाया, इससे आपको इसमें रिक्वायर्ड टाउन हॉल है वो 4 रहना चाहिए, और यहाँ पे जो ट्रॉफीज है आपको वो 400 चाहिए. एनीवन कैन ज्वाइन है डेड डीलर्स. यहाँ पे आपको इसको ये जो टैग है वो टैग देख सकते हो. यहाँ पे हम लोग सिर्फ 7 ही बंदे ये क्लैन के अंदर. तभी हम लोग यहाँ पे वॉर चालू करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी आ जाओ, सिर्फ 3 ही बंदे की कमी है. जल्दी से 3 बंदे आ जाएंगे, तो यहाँ पर 7 ही बंदे 3 बंदे आ जाएंगे. तो हम लोग यहाँ पर 10 vs 10 वॉर चालू करने वाले. मैं इतने दिन से ये बता रहा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जब स्टार्ट करने आ रहे थे आपको बता रहा था यहाँ पर 15 मेंबर्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो CWL का सिलेक्शन चालू था, जैसे वो सिलेक्शन आज ही एंड हुआ है, यहाँ पर अभी हम लोग 5 vs 5 चालू कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा नेमार 5, तो मैं यहाँ पर अपनी आईडी रखता हूँ. ये जो देख सकते हो ये जो क्लैन है इसका, ये SK किलर ये मेरी एक आईडी है, और एक क्रूजर 14 ये दोनों मेरी एक आईडी है. तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड.